बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इस टाइम मैं आप लोगों को बैकग्राउंड की भी मैं पहले स्टोरी बताता चाहूँ कि बैकग्राउंड पे जो आप लोगों को मस्जिद नज़र आ रही है, ये है बेसिकली नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में से। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हुई हैं और उसके साथ पुरानी वीडियोज़ के साथ अटैच्ड हैं, देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मस्जिद जो है ये नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में बनी हुई है और ये इसकी ओपनिंग हो गई हुई है। और यहाँ पे आप लोग आके जुमा और डेली नमाज और ईद की नमाज आप लोग पढ़ सकते हैं। वेल, मेरा आज का जो टॉपिक है वो मस्जिद का नहीं है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्क वीज़ा पे। मतलब सबको पता है कि मैं साइप्रस पहुँच गया हूँ, अपडेट्स पे अपडेट्स आना शुरू। भाइयों, 3 से 4 दिन जो है ना मैंने अपडेट्स कलेक्ट करने में लगाने हैं। जितनी अपडेट्स मिल रही हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। करना क्या, आप लोगों ने शेयर करनी है उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस में वर्क वीज़े पे आ रहे हैं। सिर्फ आज की वीडियो वर्क वीज़े वालों के लिए है, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स जो है ना मेरी वर्क वीज़े वाली वीडियोज़ का जो है ना वेट करते हैं। इस वीडियो में हाफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाफ वर्ड सबसे पहले थोड़ा मतलब सीख ले प्रोनाउंस इसकी, ऑफ, AWF होता है ऑफ। अक्सर लोग कह रहे होते हैं हाफ हाफ हाफ, ये लफ्ज़ बेसिकली बताने का मकसद ये है कि मैं भी पहले हाफ ही कहता था लेकिन मुझे भी किसी ने ये चीज़ बताई, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये गलत मतलब लफ्ज़ मत बोले, सही लफ्ज़ है ऑफ। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आज लोग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सी गुड न्यूज़ भी हैं, बहुत से मज़े मज़े की चीज़ें भी हैं। सैलरीज क्या मिल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा नॉर्थ साइप्रस की लाइफ में, तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिस तरह मैंने बताया कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी अपडेट्स मिलने जा रही हैं, तो वर्क वीज़े की फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो है अपडेट अगर मैं स्टार्ट करूं, तो वर्क वीज़ा जो है इस टाइम नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़ा बिल्कुल नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे, वो इसीलिए अक्सर जो दोस्त है ना वो तो या बेचारे पैसे दे के फंस गए हुए हैं फेक एजेंटों के हाथ में। कुछ हैं मतलब मैं सभी का नहीं बात करता, कुछ रेयर केसेस हैं वो कर रहे हैं काम, कुछ मतलब मोस्टली जो है ना फेक ही है। मतलब वो बस कह रहे हैं, वो कह देते हैं कि हमें अपना पासपोर्ट अब सेंड कर दें, आपका लेटर यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से यहाँ चला गया, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों के वीज़ा जमा है उनकी भी नहीं निकल रहे। क्यों नहीं है, क्योंकि इस टाइम मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती हुई पड़ी है। मतलब मुझे भी कल से 2 से 3 दफ़ा उन्होंने रोका है पुलिस वालों ने, और उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया और उन्होंने मेरा बाइक ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया। आज मैं वैसे लाइसेंस भी अपना रीन्यू करवा के आया हूँ। तो मतलब इतनी सख्ती है यहाँ पर इलीगल लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इलीगल जो है ना लोग हैं। अपडेट्स की मैंने तुर्किश लोगों से भी अपडेट ली है और जाके मैं आज इनके ऑफिस से भी पता करके आया हूँ। ऑफिस से उन्होंने वैसे मुझे कोई इतनी सुथरी मतलब सीधा सीधा नाम वाली बताई है और उन्होंने कहा कि कोई अपडेट नहीं है अभी, लेकिन जहाँ तक मैंने अपडेट ली और जहाँ तक मुझे चीज़ें मतलब पता चली हैं और वो यही हैं, हाफ जो है इस महीने में मार्च में ओपन होने के चांसेस हैं। अगर मार्च में ओपन हो जाती है, डेट्स वगैरह कोई नहीं है, कोई कह रहा है 10 को, कोई कह रहा है 11 को, कोई कह रहा है 15 को, कोई कह रहा है ये वो, डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को मंथ बताने जा रहा हूँ। मार्च में अगर हाफ ओपन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो इसके बाद इस साल हाफ ओपन होने के कोई चांसेस नहीं है। साल की तो नहीं, साल तो वैसे बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन आने वाले 3-4 मंथ तक हाफ ओपन होने के फिर कोई चांसेस नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है और मैंने ज़्यादा सर्वे किया है, तुर्किश लोगों से भी पूछा है और जिन ऑफिस से भी मैंने उड़ती पुड़ती खबरें सुनी है, तो मुझे यही पता चला है कि मार्च में अगर ओपन हो गई तो होगी, अदरवाइज हाफ इतनी जल्दी अभी ओपन होने वाली नहीं है। ये बात हो गई हाफ की। और वर्क वीज़े जिन लोगों के जमा है वो लोग स्टिल गोलियों पे हैं, उनको अगर कोई एजेंट उनका है तो गोलियाँ ही करा रहा है। सीधी सी बात है भाई कि आप लोगों के वीज़े पे स्टैंप नहीं लग रही, पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस वैसे कर रही है, ऐसा सीन कोई भी नहीं है। जब आप लोगों के वीज़े लगते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि पुलिस वाले स्टैंप ना लगवाएं, उसमें ये होता है कि आप लोगों के वीज़ा जमा हो गए होते हैं लेकिन वो आप लोगों के पहले प्रोसेस से ही स्टार्ट नहीं हो रहे होते। आप लोगों के वीज़े अगर जमा भी हैं तो वो भी पहले ही प्रोसेस में है, वो अभी तक आगे नहीं जा रहे। अगर आप लोग को कोई ऐसे कह रहा है आपके वीज़े पे पुलिस स्टैंप नहीं लगा रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर
आप लोगों के 5 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो गए हुए हैं तो कोशिश करें अपने उन एजेंटों से, उन बंदों से पैसे वापस ले लो, क्योंकि वीज़े नहीं लगने वाले आप लोगों के लिए फ़िलहाल। और दूसरा ये बात मैं आप लोगों को कहने चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पैसे फंसे हुए हैं किसी एजेंट के पास, तो एटलीस्ट मुझे ये चीज़ मत कहा करें कि बिलाल भाई वीडियो बना के लगा दें, वो फला बंदे की या वो फला बंदे की पोस्ट लगा दें, उसने हमारे साथ स्कैम किया ये वो। यार ये चैनल मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बनाया हुआ है, आगे आप ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है कि आप लोगों के कोई पैसे बंदा दे रहा है या नहीं दे रहा, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो अभी तक जो है वर्क वीज़े की यही न्यूज़ है। जॉब्स की अगर मैं बात करता हूँ, जॉब्स की राइट नाउ जॉब्स साइप्रस में हैं, स्टूडेंट जो आ रहे हैं न्यू उनके लिए भी हैं, और अगर कोई बंदा यहाँ पे वर्क वीज़े में फंसा हुआ है तो वर्क वीज़े, जस्ट वर्क वीज़े की इंफॉर्मेशन है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। तो ये जो थी वर्क वीज़े की ओवरऑल जो थी वो आप लोगों को न्यूज़ बताती थी। न्यू आने वाले वर्कर्स जो हैं जिनके वीज़े लग गए हैं, वेलकम टू नॉर्थ साइप्रस, उनको मैं यही बताता चाहूँगा उनको जो सैलरीज हैं वो 24,000 तुर्किश लीरा बिल्कुल नहीं मिल रही, बहुत रेयर चांसेस होती हैं कि आप लोगों को ये मिल जाए, क्योंकि नए आने वाले बंदे को ये कम से कम 20 या 21 तक सैलरी देते हैं वो, इसलिए क्योंकि उसे ज़ुबान भी नहीं आती और उसे यहाँ का कल्चर भी नहीं पता होता, चीज़ों का भी नहीं उसे पता होता, तो इसलिए उसको जो है थोड़ी सैलरी देते हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद जब आप लोगों को चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो वो आपको इतनी सैलरी जो है वो दे सकते हैं 24,000 तुर्किश लीरा। वैसे नॉर्मली 24,000 तुर्किश लीरा सैलरी इस टाइम चल रही है, और जो पुराने लोग हैं वो 24 से ज़्यादा भी ले रहे हैं, मतलब ये नहीं कि कोई बंदा 24 अगर अस्क्री 24 है तो वो 24 ही ले रहा है, जिस तरह राइटर्स हैं नॉर्थ साइप्रस में एंड डिफरेंट जॉब्स हैं वो कोई 26,000 लीरा भी ले रहा है, कोई 30,000 भी लीरा ले रहा है, तो ये सारा स्नैरियो है। इस स्नैरियो के साथ साथ मैं लास्ट में आप लोगों को एक बैड न्यूज़ भी यही बताता चाहूँगा, बैड न्यूज़ यही है कि तुर्किश लीरा जो है डे बाई डे बहुत ही गिरता जा रहा है और बहुत ही उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो चुकी हुई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम 8.7 चल रहा है, मतलब एक तुर्किश लीरा 8.7 हो गया हुआ है, जब मैं छोड़ के गया था तब 9.5-10 तक था, लेकिन अब 8.7 तक आ गया हुआ है, तो अल्लाह करे कि यार इसका थोड़ा सा हाई हो जाए, एटलीस्ट 10 पे तो स्टिल रहे, दुआ है कि वैसे इससे भी ज़्यादा हो जाए लेकिन एटलीस्ट 10 रहे, क्योंकि यार ये करेंसी का जो अप्स एंड डाउन है ना ये सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान पैसे भिजवाने होते हैं, तो ये बहुत ही एक हम लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। बाकी वीडियो कैसी लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई भी वैलिड क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन ये याद रखें कि आजकल मैं अपनी लाइफ में थोड़ा खुद भी यहाँ पे आते ही बिजी हूँ, अपनी रूटीन में थोड़ा सा बिजी हूँ, आप लोगों को लेट रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आप लोगों को जरूर मिलेगा। बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाए वहाँ पे फॉलो करें मुझे, टिकटॉक का अकाउंट भी मेरा सेम नाम से ही है वो भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर शॉर्ट शॉर्ट जो अपडेट्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ। नेक्स्ट इसकी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।